Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today we are going to have discussion on the some of the important MCQs of corporate finance for MCOM semester 2. So MCOM semester 2 जो लोग regular exam दे रहे हैं, MCOM semester 2 जो आपका subject है corporate finance का, उसके MCQs को हम discuss करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे important MCQs है जिसके basis पे आपके concepts को clear करना है. तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे. तो एग्जाम्स तक आपको काफी अच्छी तरीके से एमसीक्यूज को हम रिवाइज करने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहे. और तो शुरू करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन से, डैश इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द यूज एंड एक्विजिशन ऑफ द फंड्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर या कैपिटल बजटिंग. तो अगर हम ध्यान से देखें कि एक्विजिशन ऑफ द फंड्स की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसा क्या पॉइंट है इसमें से, डैश इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन यूज एंड एक्विजिशन ऑफ द फंड्स. तो आपको यूज करना है एज वेल एज आपको फंड को क्या करना है, एक्वायर करना है, एक्विजिशन करना है. इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं. फाइनेंस का प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, यही एक फाइनेंशियल मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट. क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं. The only viable goal of financial management is maximization of the profits, maximization of shareholders' wealth, ensuring financial discipline in the organization, proper planning of company's resources. तो काफी important है, ध्यान से देखो. FM जो है हमारा financial management की responsibility हमने दी है financial manager को. किसको दी है, फाइनेंशियल मैनेजर. फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, फंड्स को कहाँ कहाँ से एक्वायर करना है, फंड्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, उसके बेसिक इंपॉर्टेंट डिसीशंस लेने का काम इनके पास है. दैट इज़ विद द फाइनेंशियल मैनेजर, एंड ही फाइंड्स आउट बेसिकली ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ द फंड्स, द अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स. जैसे हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. क्या था, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये आपका ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है. और मॉडर्न ऑब्जेक्टिव अभी क्या बन गया है, मॉडर्न ऑब्जेक्टिव अभी बन गया है शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है उसे मैक्सिमाइज करना. बिकॉज जब तक शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज नहीं होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हम ध्यान नहीं दे सकते. तो ऑब्वियसली व्हेनेवर द शेयर होल्डर्स वेल्थ गेट मैक्सिमाइज, द प्रॉफिट्स विल आल्सो गेट मैक्सिमाइज. द मोर इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्न ऑब्जेक्टिव, एंड इट इज यूजुअली कॉल्ड एज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. तो राइट आंसर आपका बनने वाला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ. नेक्स्ट इज फ्रॉम द रेशियो एनालिसिस. तो रेशियो का जो चैप्टर है आपका, पहले भी आपने आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा है ये चैप्टर, तो इसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होगा और आई होप कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है. विच रेशियो इज कंसिडर्ड एज सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो. तो सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी कौन से रेशियो दिखाते, दैट इज द करंट रेशियो. ठीक है, तो करंट रेशियो आपको सेफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी दिखाता है. अगर मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बताऊँ कि इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन, ठीक है, इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजीशन कौन सा रेशियो दिखाता है, दैट इज रिलेटेड विद द क्विक रेशियो. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कौन सा रेशियो दिखाता है, तो वो दिखाएगा आपको डेट इक्विटी रेशियो, कि कंपनी का कर्जा कितना है, वो आपको डेट इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन दिखाएगा. और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन कौन दिखाता है ऐसा पूछा, तो दैट इज रिलेटेड विद द करंट रेशियो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. द करंट रेशियो इज 2.5:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज ₹3 लाख, फाइंड आउट द करंट लाइबिलिटी. ठीक है, क्या फाइंड करना है, करंट लाइबिलिटीज. एक इक्वेशन सबको पता होगा, करंट असेट्स
माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करंट रेशियो देखो क्या है, अभी मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला ही लिख के दिखाता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। रेशियो क्या दिया है, 2.5:1, तो 2.5:1 इसका मतलब क्या है कि 2.5 हमारे करंट असेट्स है, 1 हमारा करंट लाइबिलिटी है। यहाँ पे आई विल बी सब्स्टिट्यूटिंग, 2.5 माइनस 1 इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज हाउ मच, वर्किंग कैपिटल दिया है आपको 3 लाख रुपीज़। ठीक है, 2.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1.5। तो 1.5 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 लाख। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें करंट लाइबिलिटी का आंसर ढूंढना है। तो करंट लाइबिलिटी विल बी 3 लाख को आपको डिवाइड करना है 1.5 से, तो आपको करंट लाइबिलिटी का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। और करंट लाइबिलिटी मिलने के बाद अगर कभी कभी बोला कि करंट असेट्स को कैलकुलेट करो, तो ये फिर जो फॉर्मूला है आपके पास, इसमें अगर हम करंट लाइबिलिटीज को फिट कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट असेट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें करंट लाइबिलिटीज ही पूछा है, तो 3 लाख को अगर आप 1.5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2 लाख। दैट विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो शोज इमीडिएट सॉल्वेंसी पोजिशन। अभी हमने डिस्कस कर लिया करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो या डेट इक्विटी रेशियो। विच रेशियो शोज, दैट इज लिक्विड रेशियो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ करंट रेशियो। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि करंट रेशियो का क्या स्टैंडर्ड है। इसका स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्होंने कहा कि करंट रेशियो का एक स्टैंडर्ड है, उतना तो कंपनी का रेशो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1:1, 2:1, 3:2, 3:1। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल। तो राइट आंसर आपका बनेगा 2:1। 1:1 ये किसका स्टैंडर्ड है, दैट इज रिलेटेड विद योर क्विक रेशो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोप्राइटरी रेशो शोज द रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटर फंड्स एंड डैश। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स, टोटल कैपिटल या टोटल फिक्स असेट्स। तो इसके लिए आपके फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए। आपका फॉर्मूला क्लियर है तो ये टाइप के क्वेश्चंस आप इजीली बना पाएंगे। देखो, प्रोप्राइटर फंड्स या प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है, प्रोप्राइटर फंड्स दैट इज द शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट्स। ठीक है, ये जो नीचे मैंने डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किया है, दैट इज फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स प्लस करंट असेट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टोटल असेट्स। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल असेट्स। लेकिन ये टोटल असेट्स में आपको ध्यान रखना है, इसमें हम जो हमारे फिक्टिशियस असेट्स है, ठीक है, हमारे फिक्टिशियस असेट्स को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, काल्पनिक असेट्स, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस होता है, एनी काइंड ऑफ हैवी एक्सपेंडिचर होता है, तो ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ से इग्नोर कर देंगे। दैट मीन्स द राइट आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इम्प्लिसिट कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें हम, केडी केई ये सारे पॉइंट उसमें है, पे दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट और दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ध्यान रखना, कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट की अगर बात करें तो एक्सप्लिसिट मतलब बाहर वालों को देने वाला कॉस्ट, इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डिबेंचर्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केई केपी एंड केडी से। ठीक है, दिज आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ऐसा कॉस्ट कि जो हम कहीं बाहर वालों को हमें देना नहीं है, लेकिन वो अगर पैसा हम कहीं बाहर लगाते तो उसके ऊपर भी हमें रिटर्न्स मिल सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाए तो वो हमें रिटर्न्स उस पर नहीं मिले, तो उसके ऊपर भी कॉस्ट इनकर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो इसको कौन सा कॉस्ट होगा, ये होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। कौन सा होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको रिटेन्ड अर्निंग्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स को ही इम्प्लिसिट कॉस्ट हम मानते हैं, बाकी के सारे आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो राइट आपका आंसर बनेगा यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला
आई दैट इज इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या रिटेन्ड अर्निंग्स. तो काफी इंपॉर्टेंट है. तो ये आपका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का. कॉस्ट ऑफ डेट जिसको हम कहते हैं केडी. केडी का फॉर्मूला क्या है? केडी का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स. क्या है फॉर्मूला? इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स. तो ये आपका फॉर्मूला केडी का है. केडी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट. कॉस्ट ऑफ डेट मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स. तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इक्विटी शेयर्स, लोन्स, बॉन्ड्स या प्रेफरेंस शेयर्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सबसे ज्यादा कॉस्ट अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिस पे हम जाने तो सबसे सस्ता क्या है? सबसे सस्ता है आपका डिबेंचर्स. और सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा है आपका इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर्स हैज द हाइएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच यू हैव टू रिमेंबर. तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर्स. आई होप दिस क्वेश्चन आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद RSM. वहां पे सारे PDFs में शेयर कर रहा हूँ. ऐप डाउनलोड कर ले. ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. वहाँ पे भी आपको बहुत सारे PDFs मिलेंगे. और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले जो वीडियोज आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर. टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर.